आप लोग थोड़ा पीछे जाओगे तो ये रेंज आएगी। आप लोग आइए आइए, जरा आगे आइए। सोहेल भाई कहाँ है? सोहेल भाई खंडवानी, मिठू आ गया ना। ओ भाई साहब, ये सब अपने वीआईपी है, कोई वीआईपी नहीं है, सब खास, सब 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 अल्लाह के बंदे, सब अल्लाह के बंदे। अल्लाह चलो आगे फैसल खुदा लिखा हेलो, पीछे पीछे राउंड के पीछे, राउंड के पीछे, राउंड के पीछे। बांधा नहीं है बेटा, इधर से सिबला रूप रखे मीडिया कैमरा सब पड़ेगा भाई, वो साइड आप लोग इस तरफ आइए, दिखाई नहीं देंगे कोई। जैसे थे मेहमान एंथम, हाँ मेहमान एंथम, आए कोई क्या स्पीकर पे, चलो कोई बात मेहमान है ना, मेरे मोबाइल में है, आई नहीं गया, ये इधर लगा रहे स्वेप लगा, स्वेप लगा यूट्यूब पे सर, चलो उसको गार्ड मान लो ना, कर ले बंद कर देना है, आ गया हो गया, थोड़ा उधर बस चलो बेटा, पायल जी राइट में इधर मजबूर होगा, थोड़ा इधर से गैप पर भाई, ये गैप बाजू इधर सीधी पायल विधि, चलो चलो अजीत भाई पहले अफरोज भाई को, उसके बाद नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, जो इंग्लिश का हीरो वही है, जो इतिहास में वही हीरो, मिठू भाई, मिठू भाई एंड करना, अरे आ गया, आ गया पीछे जाओ भाई, सब कैमरा वाला पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आगे 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 आगे, मुझे इकबाल बाजू में, आप बस इकबाल बाजू, चलिए
अफजल भाई, अल्लाह तीसरे नंबर में सोहेल भाई, सोहेल भाई प्लीज, सोहेल भाई शुरू हो गया, मेरे को फिर उधर आना पड़ेगा, क़िबला रुको, कोई बात क़िबला रुको, कोई बात वो आपके बिना नहीं करेगा, ये आदमी की खानदानी ऐसी है, बड़ी सी बड़ी मीटिंग में बैठे होते हैं, मैं आता हूँ ना तो बोलते हैं कि वो सीट छोड़ देते हैं, और ये खुद इतने बड़े प्रोटो इनका वो है कि लोग उनको बुलाते हैं, मगर वो मैं आता हूँ तो बोलते नहीं, हमारे सदर हैं, अल्लाह हमेशा ऐसी इज्जत दे, आमीन, अजीज भाई, अजीज अंकल, लिस्ट आए लिस्ट आए लिस्ट अजीज भाई अंकल है, अजीज अंकल जुनेद खमीसा, इकबाल अंकल, अरे मैं आओ आसिफ भाई सर, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाएंगे तो सबको मिल जाएगा, अल्ताफ भाई जी जी, नहीं नहीं बहुत मेहनत है, अल्ताफ भाई आ गया, बहुत इमरान भाई, ना ना आए इंजे बच्चे आए, अल्ताफ भाई पहले, अल्ताफ भाई आप लीजिए, या यहीं से कर लीजिए, खिबला रुक रखिए, यूं पा खिबला रुक, बिस्मिल्लाह, अरे इकबाल आ जाओ, कहाँ है शहजाद भाई, यासीन भाई, थोड़ा फिट कर बेटा, जब तक आ जाओ, सिकंदर भाई आप, हाँ मैं आप इनके पास, यासीन भाई, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إذ نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब रफीउद्दीन साहब अशरफी, रफीउद्दीन अशरफी साहब को कि वो आए, और अभी जो आया
हम सबके सामने पढ़ी गई हैं, इनकी मुख्तसर तफसीर बयान करें। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। रसूल ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ने उतारा यानी कुरान, और सारे के सारे मोमिनीन भी इसी किताब पर ईमान लाए जिसे कुरान कहते हैं। और इस किताब और अल्लाह पर ईमान की बात सिर्फ रसूल या मोमिनों की नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर तो हर किसी ने ईमान लाया है, और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। और अल्लाह की तरफ से बेशुमार रसूल और पैगंबर आए। हमारा अकीदा है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली, अल्लाह के रसूलों में किसी रसूल के मर्तबे में हम फर्क नहीं करते, हर एक को बहैसियत नबी और बहैसियत रसूल अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह के रसूल मानते हैं। और वो कहते हैं, सारे रसूल ये कहते हैं, सारे फरिश्ते ये कहते हैं, समेरना व अताना, हमने ए मौला तूने जो आवाज दी, तूने जो ईमान की दावत भेजी, हमने उसको कबूल किया, समेरना हमने सुन लिया, वो अताना और हमने मान लिया, और गुफराना का तेरी ही बख्शिश है हमारे लिए, वही इलैकल मसीर, और पूरी कायनात तेरी ही तरफ फिरने और पलटने वाली है। आगे आखिरी आयत में अल्लाह ने बहुत प्यारी तालीमात इस आयत के जरिए नाजिल फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आज जिस मकसद के लिए आप जमा हुए हैं, इसमें हर एक ने अपना अपना हिस्सा पेश किया है और करने वाले हैं, मगर इन हिस्सा के पेश करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इस कायनात में बंदों को हम वही काम सौंपते हैं जो काम हमने उस बंदे के करने की ताकत में रखा है, ताकत से बाहर हम कुछ नहीं देते हैं। अल्लाह पर लहा मा कसबत, हर जान के लिए वही है जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और आपके लिए भी वही है जो आपकी जिंदगी में आप कमा सको, चाहे नेकी कमा लो वो आपके लिए है, चाहे बदी कमा लो वो आपके लिए है, और अल्लाह का आदेश है कि तुम्हें हमने नेकी कमाने के लिए भेजा है। हाँ, अब बंदों को अल्लाह के दरबार में आखिरी दो लाइन में ये दुआ करनी चाहिए, वो ये है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ए अल्लाह हम अपने जिंदगी में जीते जी तेरे हुक्म की फरमा बरदारी करते रहेंगे, मगर इंसान होने के नाते अगर हमसे कुछ खता, कुछ गलती, कुछ भूल हो जाए तो ए मौला तू परवरदिगार है, हमारी गलतियों पर हमारी पकड़ मत करना, अगर कोई गलती हो जाए तो हमको माफ कर देना। रब्बना ऐ हमारे मौला वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु, दूसरे ने जैसे जैसे गुनाह किए और उन पर अजाब आया, हम भीख मांगते हैं तेरे हबीब के सदके में कि हम पर हमारी ही गलतियों से कोई बोझ मत डालना, बल्कि हमें माफ करना। वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, और हमारी ताकत से ज्यादा इस कायनात में हम पर बोझ मत डालना, मौला हम तेरे तलबगार हैं। वाफु अन्ना, और आखिरी जुमलों में हम अर्ज करते हैं मौला हम सब के गुनाहों को माफ कर दे, वाफु अन्ना वाग़फिर लना, हमारी बख्शिश कर दे, वरहमना, और ऐ मौला तू ही रहमतों का वाली और मददगार है, हम पूरी कायनात वालों पर तू अपनी रहमत बरसा दे, क्यों अंत मौलाना, तू ही तो हमारा मौला है, तू ही तो हमारा वाली है, तू ही तो हमारा मददगार है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और दुआ का आखिरी जुमला अल्लाह ने तालीम सिखाया है कि ऐ मौला जब हम सब तेरे ही मोहताज हैं तो भीख मांगते हैं कि हम सबको इस कुफ्र की धरती पे ईमान के साथ अपनी मदद नाजिल फरमा और इस्लाम के लिए हमें मुंतखब फरमा ले, अल्लाह ने सच फरमाया। अस्सलाम। जहाँ पर हमारी रिवायत है कि सदक़े की थैलियाँ घूमेंगी, गिराई जाएंगी, और उसमें आप लोग अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से सदका डालते रहेंगे, मैं इसके लिए दो मिनट का वक्त दे रहा हूँ। जो मेहमान खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इस तरफ बहुत सारी चेयर्स यहाँ पर हैं, आप बराए करम इधर आकर बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तकरीबन सभी हाजरीन ने यहाँ पर सस्ते की थैली में अपनी अपनी सदखात जमा कर दिए हैं। ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन इनके तकरीबात की रवायत रही है कि ये फूलों वगैरह का इसराफ नहीं करने देते, लेकिन मेहमान हैं और उनका इस्तकबाल हमारा फ़र्ज होता है, तो लफ्जी इस्तकबाल और इस्तकबालिया कलमात के लिए मैं यंग मेमन पेश करें और सबका लफ्जी तौर पर इस्तकबाल भी करें। खमीसा मोहम्मद जुनैद, सदर यंग मेमन कमेटी पर भली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा हमारे सदर मोहतरम ने अभी कहा कि अभी वक्त की कमी बहुत है, कम है, बहुत कम वक्त है, तो मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे तमाम जिम्मेदारान जो है स्टेज पर मौजूद हैं, मैं उन सब का जो है हमारी मेमन जमात मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, यंग कमेटी की तरफ से और लेडीज़ विंग की तरफ से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं, और आप तमाम लोगों का भी मैं यहां पे जो है पैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था जो बहुत मुझे लगा कि यहां पे अहम है और आप लोगों के सामने वो आना चाहिए। जैसा आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एक एकड़ की ज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेमन जमात और हमारे जो है उस वक्त के सदर जनाब अशरफ सेठ पाडेला और उनकी टीम जो आज उनके जो है फर्जन अफजल सेठ पाडेला यहाँ पे सदर की हैसियत से मौजूद है, ये उनकी दूरंदेशी से एक ज़मीन यहाँ पे ली गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस दूरंदेशी की वजह से आज ये ज़मीन एक कहीं ना कहीं ऐसे जो है कॉज के लिए इस्तेमाल हो रही है जो आगे चल के बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली है हमारी पूरी कम्युनिटी को और हमारी पूरी जो है पूरी कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कौम को और हमारी कम्युनिटी को विजनरी लीडरशिप जो बोलते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इकबाल मेमन ऑफिसर की शक्ल में ऑल इंडिया मेमन जमात को जिस तरीके से जो है लीड किया जा रहा है उनके उसमें, और जिस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इससे बेहतर और आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो पहला कदम है। वैसे ही मैं हम बता दूं कि परभनी मेमन जमात की जो लीडरशिप है वो जो है एजुकेशन के अंदर जिस लेवल से काम कर रही है, ये बात आपको भी खुशी महसूस होगी कि परभनी के अंदर ऐसे कई स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर परभनी मेमन के बच्चों ने पहला उसको क्रैक किया, यानी परभनी का पहला सीए जो है पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हुआ है मेमन कम्युनिटी से, जिसको इंशाल्लाह हम लोग जो है ओआरडी के अंदर उसको अवार्ड भी देंगे। वैसे ही पीएचडी के अंदर भी हमारा ही पहले है आप हिस्ट्री के अंदर, तो हम लोग बहुत पहले से जो है एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारी जो है सोसाइटी का, हमारी पूरे मैनेजमेंट का इखलास है, उनकी मेहनत है, इसीलिए जो है वो भी काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को वो लोग साथ लेकर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नई पीढ़ी के अंदर भी कई नौजवान हमारे उनके साथ काम कर रहे हैं, साथ ही साथ लेडीज विंग भी हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द कॉलेज जो है मुकम्मल होगा, और इंशाल्लाह हम रहें ना रहें मगर इसके जो असरात और इसकी जो नेकियां और इसके जो अजर जो है हमारे को जो है इंशाल्लाह हमेशा मिलते रहेंगे। आप तमाम यहाँ पे पहुँचे हैं और उसका मैं और एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है इंशाल्लाह जो है आगे की तकरीब जो है यहाँ पे जो होगी और इंशाल्लाह बाकी का भी शेड्यूल आप लोगों के सामने। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं परभनी मेमन जमात के सदर जनाब अफजल पाडेला साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और अपनी बात रखें। डाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब इकबाल ऑफिसर साहब, जनाब अजीज़ साहब, सोहेल खंडवानी साहब, जनाब अफरोज़ हसन फतेह साहब और सज्जाद साहब, और हमारे मोइन मियां के जगह पे जो हज़रत मौलाना आए हैं, और तमाम मेरे बड़े भाई साथी रज़िया माँ हमारे, ठीक है, और जो है तमाम हमारे साथी जो यहाँ मौजूद है, और आप सभी का इस्तकबाल करते हुए अस्सलामु अलैकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह हम सब से ये काम ले रहा है। हमारी ये खुशकिस्मती समझना चाहिए और हमें अपने आप को इन होदों में होदों की शक्ल में ना देखते हुए कि अल्लाह की तरफ से एक हमें एक जिम्मेदारी दी गई है ये समझ के हमें हमारे ये कामों को अंजाम देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाखों शुक्र है कि भाई परवनी में ये काम हो रहे हैं। इस साल 100 साल हुए हैं हमें हमारी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन को और इत्तेफाक ये है कि ये 100 साल पूरे होते ही हमें फेडरेशन से ये सेंचुरी का ये अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा मिला है। तो जनाब इकबाल ऑफिसर साहब और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बोर्ड का मैं परभणी जमात और परभणी मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 100 साल की उम्र पे आपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तोहफा दिया हमें। और साथ साथ मैं अफरोज भाई हसन फत्ता का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो खास करके हमारी दावत पे तशरीफ लाए हैं। इसके अलावा जो है कि ये जो कॉलेज का जो विज़न इन्होंने हाजी इकबाल बाग के साथ शेयर किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो आज यहाँ से इसका पहला कदम शुरू हुआ है। साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि खास करके परभणी के अंदर पाडेला फैमिली को ये मौका हर वक्त मिलते आ रहा है। मेरे से पहले मेरे वालिद साहब, उनसे पहले मेरे दादा, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों से भी अल्लाह काम लेता रहे इंशाल्लाह। देखिए ये जो ज़मीन ली गई थी मेरे वालिद साहब के हाथ पे उनकी प्रेसिडेंसी में, ये एक स्कूल के लिए ली गई थी हाजी इकबाल पर। और जैसे आपने हमारे स्कूल के इदारे देखे हैं तो काफ़ी तंग जगह में हम मैनेज कर रहे हैं। हमने ये ज़मीन इसलिए ख़रीदी थी उस वक्त कि भाई और एक स्कूल बनाई जाए और बड़े स्केल पर बनाई जाए ताकि वो सबका लोड यहाँ डाइवर्ट किया जाए, लेकिन अल्लाह को अलग कुछ मंजूर था तो उससे भी बेहतर सुझाव आ गया और यहाँ इंशाल्लाह कॉलेज बनेंगी हम। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हम हमारे काम रोक देंगे। ये एक एकड़ ज़मीन थी तो हम ये एक एकड़ फेडरेशन को देख के हमारे स्कूल के आगे के डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। हम इंशाल्लाह और एक एकड़ या दो एकड़ ज़मीन खरीदेंगे जिस पे इंशाल्लाह हम हमारे जो एक्सपेंसर के काम है जो पिछले 100 सालों से चलते आ रहे हैं वो और आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इसके अलावा मेरे पास एक और एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई है जो ज़कात फंड के मद में है। अगर फेडरेशन के पास या किसी भी इंडिविजुअल शख्स के पास कोई और प्रोजेक्ट है तो वो एक एकड़ ज़मीन पे हम वो कोई प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम आप हजरात का मैं और एक बार मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और मेमन जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। आखिर में दुआ से पहले मैं मोहतरम जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तन कलमात से हमको नवाज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिह। कि मेरी ज़िंदगी का आज बड़ा खुशनसीब दिन है और दूसरा खुशनसीब दिन मेरा वो होगा कि जब ये मुकम्मल हो जाएगी ये और इस बागडोर आपके हाथ में है, इसको आगे आपको ले जाना है। ये सिर्फ मेमन का इदारा नहीं है, ये पूरी कौम का इदारा है। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का नहीं है, सारी जमातों का ये है। हर आदमी, हर फर्द, चाहे मेमन हो चाहे नॉन मेमन हो, अपना फर्ज समझे, अपनी ताकत के मुताबिक जो भी हो जितना भी हो इसके अंदर ताउन करे। बहुत ये मेरे खुशी के आंसू है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इसको आपको आप लोगों को मुकम्मल करना है। बहुत आसान तरीका हमने निकाला है कि जिसकी जितनी ताकत है, जितना बड़ा दिल है जिसका, उतना ताउन करे। एक शेयर अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ 50,000 रुपये का, उसका नाम उसका बोर्ड भी लगाया जाएगा। जितनी ईंटें लगेगी 50,000 रुपये की, जितनी सीमेंट लगेगी, जितना लोखंड लगेगा,
जब तक ये कॉलेज रहेगी 100 साल तक इंशाल्लाह जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, जितनी इल्म की रोशनी बढ़ेगी यहाँ से और आला से आला तालीम हासिल करेंगे, दीन के दायरे के साथ इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे, और जब तक ये कॉलेज रहेगी, जब तक वो बच्चे रहेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका सवाब जारिया मिलता रहेगा आपके माँ बाप के नाम से, दादा अजाज के नाम से। कोई बड़ी बात नहीं है, एक रूम 10 लाख रुपये का एक रूम, अल्हम्दुलिल्लाह 5 रूम हमारे पास आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर ऐसे हमारे पास लगभग 25 शेर 50-50 हज़ार रुपये के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी क्लास के लोग हैं, उनके तरफ से सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये हमने रखा है। बाकी जो साहेब माल हैं, जो दिल वाले हैं, उनके लिए 10 लाख रुपया रखा है अपने माँ बाप के नाम का, उनके नाम का एक कमरा, जिसके अंदर कमरे के बाहर बोर्ड लगाया जाएगा उनका, उनको बोर्ड भी लगेगा इंशाल्लाह, आपको उसका अजर मिलेगा। इसके अंदर हमने तरीका यह निकाला गया, आपको अगर लिल्ला देना है तो आप लिल्ला बोल के दीजिए, अगर जकात भी देना चाहते हैं तो उलमाओं से हमने मशवरा करके उसका हमने रास्ता निकाल दिया है कि हमारे पास दूसरे अखराजात भी हम करते हैं ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन में, उस मद के अंदर भी वो इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर हमारे पास जकात है और हम देना चाहते हैं, अच्छी रकम देना चाहते हैं, तो जकात भी आप दे सकते हैं इंशाल्लाह, हम रास्ता करेंगे, आपकी इंशाल्लाह जकात अदा हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये 6 करोड़ रुपए का बजट, मुझे लगता है कि आज ही आप मुकद्दस दिन में, ये मुकद्दस जगह है और आज देखो ये जंगल है और इसको मंगल बनाना आपके हाथ में है इंशाल्लाह। और अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है कि 40 साल में बहुत सारे संगे बुनियाद मैंने रखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारतें बन करके खड़ी हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन फ़ायदा उठा रही है, हमारी समाज फ़ायदा उसका उठा रहा है, एक भी मेरे हाथ से जो हुआ है वो कभी फेल नहीं हुआ है, अल्लाह की मदद है। और आज अल्लाह की मदद कैसी है आपको बताऊं कि रात को अफजल भाई ने और गुलाम मिट्टू भाई ने मुझे वीडियो भेजा, जरा मायूस हुआ कि मेरी तमन्ना थी कि यहीं पर हमको संगे बुनियाद करनी है, मगर 3 बजे यहाँ देखा तो आधा आधा फुट पानी, एजाज साहब आधा आधा फुट पानी, ऐसा अगर आप पांव रखोगे तो आपके पाचिए भीग जाएं। मैंने कहा अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह तू मदद करना और उसी जगह पे हमको करना। आज देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी ज़मीन ये अल्लाह की मदद है, मेहनत तो इन लोगों ने बहुत किया, ये पूरा छपरा उड़ गया था, दिखाया इन्होंने मेरे को, पानी दिखाया मेरे को, मगर वाकई इनकी मेहनत और अल्लाह की मदद आ गई कि इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है कि इतना पानी और इतना सूखी ज़मीन हो जा रहा है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, अल्लाह ताला ने इसको मुमकिन कर दिया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मदद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर अभी अगर किसी को डिक्लेयर करना है तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रायपुर के, बड़ी खुशी की बात है कि रायपुर के मेमन हम फख्र कर सकते हैं, हमारा मेमन जो है रायपुर का मेयर है, हमारे गरियादर के मेमन मेमर मेयर यहाँ पर मौजूद है, सोहेल भाई यहाँ पर मौजूद है, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अल्लाह की मेहरबानी से सब साहेब माल है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक अकड़ो लिखा है ना, अकड़ो रूम एक रूम हमारे पास, शरीफ भाई मेमन 10 लाख रुपया एक रूम, इलियास भाई एक रूम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाबा भाई सुपारी वाले अफजल अपने ये परवेज भाई आए हैं 10 लाख रुपए का एक रूम, बियो गिंजो भाई शरीफ भाई का बताया, शरीफ भाई एक रूम 10 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 50-50 हज़ार रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह किसका है, मेमन अब्दुल मजीद जकरिया बीबा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक ओछा है मजीद भाई, अल्लाह जो करम है बहुत अच्छा ही नहीं, आइए सजी फैमिली जो अल्लाह पिंजी भाई 50-50 हज़ार रुपया लिखा है इंशाल्लाह, ठीक है अल्लाह जजाए खैर दिया है के। हाँ सोहेल
50,000 रुपया मेहमान अब्दुल मजीद जकरिया, वाह वाह माशाल्लाह। देखो जैसा बोला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चेक उन्होंने दे दिया। ऑल इंडिया में मैं जमा फिर से 1,00,000 रुपया हमारे हमेशा अल्लाह का करम है कि हमको ताउन स्कूल जो चल रही है जलगांव में उसके में भी ताउन देते हैं। हुसैन जकरिया बीबा जो जलगांव के हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को जजाए खैर दे। ये पैसा आपका जो है बहुत खर्च किए होंगे आप लोगों ने, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हर जगह दिए, मस्जिदें बनाए होंगे, मदरसे बनाए होंगे, मगर ये भी समझिएगा कि आप मस्जिद से कम नहीं है ये इंशाअल्लाह। आपको उसका भी अजर वैसे ही मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मस्जिद आप मत बनाओ, बनाओ, मगर ये भी कोई कम नहीं है उससे इंशाअल्लाह। ये भी इदारा जो है ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे यहाँ से पढ़ लिख करके और वो कमाएंगे और मस्जिदें बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से शुरुआत यहाँ से होगी इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ अपने स्वयं इंदौर पानी दे दो ना पानी। फैसल भाई सुपेड़ी वाला इंदौर पानी दे दो। फैसल भाई सुपेड़ी वाला इंदौर एक कमरा 10,00,000 रुपए का कल वो आना चाहते थे बहुत, मगर माजरत चार खा है हमारे, उन्होंने एक कमरा उन्होंने भी लिखाया है। आई जो करो चौथा इस सुबह करो रूम। फैसल भाई इंदौर, हाँ मैंने लिखा एक कमरा 10,00,000 रुपए का। तो ये हम लोगों को लगभग 6 कमरे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा है कि नाम हम नहीं देंगे, वैसे भी 3-4 हैं, 50,000 रुपए की भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोग अगर चाहते हैं बोलो। साजिद भाई लिया नहीं, साजिद भाई मक्कानी जोर से मथे उभार रही हो ना अकड़ों से। साजिद भाई मक्कानी अकड़ों भाई साजिद भाई अलियानी बे साजिद भाई अलियानी बो रूम 50,000 रुपए का शेर, 2 शेर अल्लाह ताला जजाए खैर दिए। आप इरादा कर लो, वहाँ भी अगर वहाँ भी मैं चांस दूंगा मेरी स्पीच में इंशाअल्लाह। फैसल भाई वाहिद ना दुबई के हमारे दोस्त हैं, आप सब पहचानते होंगे। एक मिनट की मुलाकात हुई एक शादी में, तो मैंने उनको बताया कि कॉलेज की ओपनिंग में आपको आना है। तो बोला इकबाल भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, मगर मुझसे क्या चाहिए। मैंने बताया उसको कि एक कमरा अगर आप दे दो, कच्चे मेहमान है, एक कमरा अगर आप दे दो 10,00,000 रुपए का। तो बोले कोई बात नहीं इकबाल भाई लिख लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजी अपने पानी पी लो इकबाल भाई पानी। इब्राहिम भाई गेटा एक रूम बेंगलोर पानी पानी आप बैठ के बोलो ना। अल्लाह जजाए खैर दे और आप लोगों के ऊपर है, इसको आगे बढ़ाना है आपको इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ अफजल भाई के जल्दी से जल्दी इसकी परमिशन के लिए हमारे यहाँ पर हैं अफजल भाई भी हैं हमारे बहुत सारे इजामुद्दीन रायन और ये सब पहुँची हुई हस्तियाँ हैं और हमारे और क्या नाम उनका जो 2-3 बार मेरे को बोले कि मैं परमिशन के लिए, एक दो को दिलाया भी है, किधर कहाँ गए अपने दिलावर चोगले। तो वो भी उन्होंने बोला है कि इकबाल भाई कोई तकलीफ नहीं होगी परमिशन के लिए। ये फैसला आपको करना है कि यहाँ पर किस तरीके की कॉलेज बनानी है, वो आप फैसला कीजिए कि जो ज़रूरत हो इन बच्चियों को, जो तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, उनको हुनर भी मिल सके और अच्छा मुकाम हासिल कर सके, ऐसा इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी इसका काम हम शुभ करेंगे इंशाअल्लाह। बस दुआ करो कि मेरे बस की बात नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मैं वास्ता आपको देता हूँ कि मेरे दिल में इसके लिए कोई नामना या कोई इसकी ख्वाहिश कि मेरा नाम हो जाए कि इकबाल भाई ने बनाया, इकबाल भाई ने नहीं बनाया, मेरी कौम ने बनाया है। ये सारी कौम का की मदद से ये बनेगा इकबाल मेमन, जैसा आज अफजल भाई ने कहा कि ये मेरा जमीन नहीं है, ये जमात की है। तो मैं भी फख्र से कहूंगा कि मैंने नहीं बनाया, मेरी जमात ने बनाया, मेरी कौम ने बनाया है।
मेरी कौम के अलावा नॉन मेमन ने भी बनाया, उसके अंदर हिस्सा है, इसमें गरीब का भी हिस्सा है जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपये के भी स्कीम हमने निकाला है। पीआर कोड उसके अंदर है, आपको मेमन टाइम्स की बुक के अंदर फ्रंट पेज के अंदर अभी के अभी आप डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। शुरुआत कीजिए आप अल्हम्दुलिल्लाह, और इरादा कीजिए इंशाल्लाह वहां पर आपको जितना हो सकेगा। रजिया चश्मा वाला मसाला, दो शेर उन्होंने अभी इनिशियल लिखा है, आगे आगे इंशाल्लाह इरादा और होगा इंशाल्लाह। सलीम भाई मर्चेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर 50,000 रुपए का, और जुबेर भाई हमारे थारादी मेहमान है, हमारे दोस्त है, मैं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, 2-3 ओपनिंग मेरे हाथ से करवाई आप अल्हम्दुलिल्लाह, वहां बहुत अच्छे इदारे बन गए, अभी खुद ही बताएंगे आपको। वो थारादी मेहमान है, वो कुछ ऑफर दिए भी बोला आप अपने मुंह से ही यहाँ पर ऑफर देना, वो ज्यादा बरकती आदमी है, बहुत हाफिज भी है मेरे ख्याल से, आलिम भी है। तो आइए आइए जुबेर भाई, बहुत अल्लाह जजाए खैर दे आपको, जजाए खैर दे, बस शुक्रिया जजाक अल्लाह। ये मैं आपको सौंपता हूँ अफजल भाई का, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, कि जो आज जो मुझे हिम्मत दी है उनकी वजह से आई, अफजल भाई की वजह से और अफरोज भाई की वजह से, अल्लाह ताला जजाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे तो हमारे प्रमुख साहब आज इकबाल भाई ऑफिसर साहब ने सब कुछ तो बता दिया हुआ है, आगे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे वहाँ 1 से 10 की स्कूल अभी चल रही है और नॉन करंटेबल है, और मदरसा भी चल रहा है, और हमारे पास 9 एकड़ जगह है, यानी कि 11 बीघा जगह है, उसके अंदर आप लोग सबका साथ सहकार होगा, और हमारे हाजी साहब इकबाल भाई ऑफिसर और फेडरेशन का साथ सहकार हो तो हम वहाँ पर भी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बना सकते हैं। उतनी जगह भी अपने पास हैं, 9 एकड़ जगह है, 4 लाख जैसी जगह हो रही है, हम डेवलप करने के लिए दी है। गुजरात में है, बनासकांठा थराद में, मुस्लिम मेजोरिटी हमारे वहाँ 2000 मकान आते हैं टोटल, दिल्ली में तो बहुत सारे होंगे मगर हमारे गांव में 2000 मकान आते हैं नहीं, मुस्लिम मेहमान गुजराती बोली है। मैं ये जगह अगर फेडरेशन की तरफ से है तो मैं जगह भी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ सर, बनाने की जिम्मेदारी फेडरेशन की है तो मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। टोटल 9 एकड़ जगह है, उसकी अभी कीमत 20 करोड़ रुपया जैसी है। चलो मैं जो है अब इसको ज्यादा, क्योंकि अभी हमको पहुंचना है, खाना भी खाना है और प्रोग्राम 3:30 तक, और नमाज भी लोग पढ़ेंगे खाना भी खाएंगे, इसलिए अब इसको ज्यादा हम नंबर नहीं कर सकते, दुआ भी करना है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल ऑफिसर साहब की तरफ से ये शेर कहूँगा कि दिले शिकिश्ता में उम्मीद इनकलाब तो है। आज के जो हालात हैं और जिन हालात में दिल शिकिश्ता है हमारा और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, दिले शिकिश्ता में उम्मीद इनकलाब तो है और हमारी जागती आँखों में कोई ख्वाब तो है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि आप तमाम ने तकलीफों को बर्दाश्त करके, ऐसे ऐसे लोग जो प्लेन से सफर करते हैं, जो कभी ट्रेन से सफर नहीं करते, हमारी दावत पर अपनी तकलीफों को बर्दाश्त किया और जो है हमारे लिए यहाँ आए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता करेगा, इसलिए कि आपने कौम की बच्चों की तालीम को सामने रखकर अपनी कुर्बानी दी और आप यहाँ आए, इसलिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है दुआ फरमाएं और इस प्रोग्राम का अख्तिताम। उनका प्रोग्राम था रात 11:30 बजे तक हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गया, वो ना सके। उनकी दुआएं हमेशा ऑल इंडिया मेमन जमात की तरफ रही है, हर साल हज हाउस में वो तशरीफ लाते हैं, वो दिल की गहराई से आपकी जमात को याद करते हैं, उनकी दुआएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आले रसूल की दुआएं हैं आपकी जमात के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला ये जमात कामयाब होगी। अब दुआ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार करीमा, कर सजा बंदा या इलाही, तेरे एक बंदे
इस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, इनकी हाजियों कबूल फरमा। मेरे मौला अली सर जमीन पे जो कॉलेज तामिर होने जा रहा है, अपने फजल करम से उन्हें पाए तक में तक पहुँचा दे। मेरे मौला इस कार्य खैर में जिन्होंने जिस तरह से हिस्सा लिया है, दामे दरम कदम सुखने रकम से कीमत से वक्त से मेहनत से, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उन्हें दोनों जहान में जजा खैर अता फरमा और इस कार्य खैर को सदका जारिया अता फरमा। मेरे मौला आखिरत में भी जजा अता फरमा और दुनिया के अंदर भी जजा अता फरमा और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले को कारोबार में रोजी रोजगार में तरक्की और बरकत अता फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा, रिश्ते में खुशहाली अता फरमा। हमारी दुआ को अपने फजल करम से कबूल फरमा। قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.